शुक्रवार 11 अगस्त को सिनेमाघरों में सनी देओल की मोस्ट अवेटेड फिल्म गदर 2 को रिलीज किया गया था, जिसने हफ्ते भर के अंदर 300 करोड़ से ज्यादा की कमाई का आंकड़ा पार कर लिया। फिल्म को दर्शकों का खूब प्यार मिल रहा है, साथ ही फिल्म ने पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान तक गदर मचा रखी है। वहां से भी फिल्म को लेकर काफी रिएक्शंस आ रहे हैं, जो कि काफी ज्यादा वायरल भी हुआ था। इस बीच अब खबर आ रही है कि फिल्म के तीसरे भाग यानी कि गदर 3 को लेकर अपडेट सामने आ रही है। जी हां, हाल ही में सनी देओल का एक वीडियो सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें एक्टर गदर 3 को लेकर बात करते हुए नजर आ रहे हैं। दरअसल एक्टर का ये वीडियो मुंबई एयरपोर्ट का है, जहां एक पैपराजी ने जब सनी देओल से पूछा कि गदर 3 कब आ रही है, जल्द आएगी गदर 3। पैपराजी के सवाल का जवाब देते हुए एक्टर ने कहा कि वो भी जल्द आएगी। सनी देओल के इस ऐलान के बाद उनके फैंस भी फिल्म के तीसरे पार्ट को लेकर काफी एक्साइटेड हो गए हैं। इससे पहले फिल्म में सनी देओल यानी कि तारा सिंह के बेटे का किरदार निभाने वाले एक्टर और फिल्म के डायरेक्टर अनिल शर्मा के बेटे उत्कर्ष शर्मा ने भी फिल्म के प्रमोशन के दौरान फिल्म के तीसरे भाग यानी कि गदर 3 को लेकर हिंट दिया था, जिसमें उन्होंने बताया था कि फिल्म के राइटर शक्तिमान ने फिल्म के तीसरे भाग की कहानी का एक हिंट दिया था, लेकिन वो कब तक तैयार होगी इसके बारे में अभी तक कोई जानकारी नहीं है। गदर 3 का डबल बजट, डबल फीस। वही खबरों की माने तो फिल्म के तीसरे भाग का बजट डबल हो सकता है और फिल्म की फीस भी डबल होने वाली है। बता दें कि सनी देओल ने गदर 2 के लिए 20 करोड़ रुपए चार्ज किए थे, जो गदर 3 में डबल हो सकता है। साथ ही फिल्म का बजट भी 100 करोड़ के आसपास का बताया जा रहा है, जो गदर 3 में और बढ़ सकता है। पाकिस्तान से आई सनी देओल के लिए चुनौती। इसके अलावा पाकिस्तान से वायरल हुए वीडियो में रिपोर्टर एक शख्स से पूछता है, सनी देओल ने फिल्म में पाकिस्तानियों को खूब मारा है, अब हम क्या करेंगे? जिस पर शख्स कहता है कि मेकअप लगाकर सिक्स पैक बनाए हैं, उसको एक बार फिर पाकिस्तान भेजो, मैं अकेला ही देख लूंगा।